लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा को लेकर वाल्मीकि समाज की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदकोट में भी वाल्मीकि समाज ने इस फिल्म के रिलीज होने पर अपनी आपत्ति जाहिर की। इस दौरान भावाधस के पंजाब प्रधान ओम प्रकाश बोहत का कहना है कि इस फिल्म में भगवान वाल्मीकि जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से वाल्मीकि समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर ये फिल्म बनी है माइकल मिश्रा, ए भगवान वाल्मीकि जी अपशब्द तो बोले गए हैं। अज पूरे पंजाब वाल्मीकि समाज वालों ए रोस रैलिया के धरने किए जा रहे हैं। इस फिल्म को पूर्ण बैन किया जा रहा है और इन्हों सलैखा पिछले घट्टो घट 20 साल वास्ते डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सारे इन्होंने कानून के दायरे में लैके इन्हें सजावं दी।